पहले मेरी बात सुन, मेरे खाने में है ना सिर्फ टेस्ट से मतलब है, फिर वो डाइट फूड है फास्ट फूड है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। पर हाँ, मेरे खाने में एक बात का ध्यान रखना, कोई भी ऐसी चीज मत डालना जिससे आदमी जल्दी बूढ़ा हो। अरे रुक तू, क्योंकि जल्दी हो या लेट मुझे बूढ़ा नहीं होना। अरे वाकई मेरी बात सुना यार, मुझे कौन सा बूढ़ा होना है यार, लेकिन क्या है ना मुझे हर मील के बाद है ना स्वीट डिश की जरूरत पड़ती है। अरे यार एक ही तो जिंदगी है, खुल के जिए ना। और अभी मेरी बात सुनो, ओके मुझे ना सिर्फ और सिर्फ हेल्दी फूड ही चाहिए, और अगर इसका टेस्ट ठीक ठाक होगा तो भी चलेगा, बस उसकी प्रेजेंटेशन एकदम बेस्ट होनी चाहिए। और मैं तो बता दूंगी मुझे रोज रोज क्या खाना है, तो मुझे फोटोजेनिक बना देना ताकि मैं अपने इंस्टाग्राम पे थोड़ा फन कर सकूं। अरे शोआफ की दुकान तो चुप रहा है, क्योंकि तू मेरी बात सुन, ऐसा क्या है ना अभी यहाँ पर नहीं है, जब आएगी तो उसे हेल्दी और हाइजीनिक फूड ही देना, क्योंकि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं ना, तो इसलिए उसको ज्यादा क्रेविंग्स होती है, किसी चीज के लिए मना मत करना और समहाउ उसे हेल्दी फूड ही देना और थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करना। रॉकी ये सब जो कह रहे हैं ना वो अच्छे से याद करना, और याद ना हो पाए तो नोट कर लेना, क्योंकि क्या है सबके रूटीन अलग है, पसंद अलग है, तो कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और हाँ किचन का जो सब है ना वो मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगी। और हाँ सर को उनका क्या है कि खाने के मामले में भी चूज़ी नहीं है, पर टाइम सब कुछ टाइम पे होना चाहिए, एक मिनट भी ऊपर नीचे हुआ ना तो तुम उनका गुस्सा झेलने के लिए तैयार रहना। ये सब जो कह रहे हैं ना वो अच्छे से याद कर लेना, याद ना हो पाए तो नोट कर लेना, क्योंकि क्या है सबकी पसंद अलग है, रूटीन अलग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और किचन का जो सब है ना वो मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगी बाद में। और हाँ सर, भले ही वो खाने के मामले में चूज़ी ना हो, पर टाइम सब कुछ टाइम पे चाहिए होता है, एक मिनट भी ऊपर नीचे हुआ ना तो फिर तुम उनका गुस्सा झेलने के लिए तैयार है, समझे। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा कमरा कहाँ है?